मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को अच्छी अच्छी और ठंडी ठंडी गुड मॉर्निंग। और ये देखो मेरे से बाहर से ना आवाज़ आ रही है, ये कर क्या रहे हैं देखो तो सही जरा। ऊपर ऊपर नीचे चढ़ के कर क्या रहे हैं, ये क्या हो रहा है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। एक्सरसाइज हो रही है ये, एक्सरसाइज की धूप तेज है कितनी। मैं सोची अभी तक नीचे ऊपर क्यों नहीं चढ़ पाए, वो एक्सरसाइज हो रही है उनकी। सही है सही है, एक्सरसाइज करनी चाहिए, वैसे भी मोटे हो गए हैं ये। मोटी तो मैं भी होगी लेकिन इनके लिए जई सही है। हाँ जी, सुन ही नहीं रहे, कितने मगन हो रहे एक्सरसाइज करने में बाबा, लगता आज ही पतले होकर आएंगे। गुड मॉर्निंग। थक गए बेचारे, बोल नहीं पा रहे हैं। ये देखा कितना कम स्टैमिना, देख लिया अपने अंदर कितना है भाई। यही होता है, इसलिए एक्सरसाइज करते रहो। इतनी हिम्मत कर लेना कि कल उठाई ना जाए पैरों से। चलो भाई एक्सरसाइज करो। सो फ्रेंड्स, देखो मैंने क्या करा है यहाँ पर, बाहर बैठ के बहुत अच्छी क्वालिटी है। देखो मैंने आज भी ना यहीं पे कलर मिक्सिंग की वीडियो बनाई है, और ये देखो, और देखो मैंने क्यूटी पाई मुद्दा बहुत प्यारा सा कर दिया है। देखो कितनी प्यारा सा बना दिया मैंने इसे, देखो इसके बाद कलर करा है मैंने, ये देखो पास से दिखाती हूँ ना। तो मैंने बुद्धा के ऊपर कलर कर दिया, कितना पारा सा लग रहा है ना, क्यूटी पाई सा। और मैंने ये कलर मिक्सिंग की वीडियो बनाई है, देखो ये मैंने सारे स्किन कलर के बनाए हैं, ये तीन कलर से सारे स्किन कलर, जो हमारे फेस पर जो हम फाउंडेशन लगाते हैं, जो हमारे स्किन कलर होते हैं ना, मैंने सारे वो बनाए हैं। ये देखो डार्क, उससे लाइट, फिर थोड़ा लाइट, फिर लाइट लाइट लाइट। और ये देखो कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हो, भूख लग रही है, भूख लग रही है, हैं पैरों में दर्द तो नहीं हो रहा, सुबह एक्सरसाइज कर रहे थे, कल पता चलेगा बच्चों। चलो अब ऐसे से बना कर लगा ले करो अपने चेहरे पे फाउंडेशन, क्या ताकि मेरा चेहरा ही ना बचे। काम करना चाह रहे हैं फ्री में, काम करने से पता है ये क्या होगा, ये सारे मेरे फेस पर अगर मैं लगा लियो ना, तो जितना थोड़ा बहुत बचा पड़ा है ना, ये और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। फिर ये मौसम कुछ हो गया है, बादल भरे मौसम हो गए हैं, ये देखो बादल हो गए बादल। चलते हैं, यूबी को भूख लग रही है, बोल रहा है मुझे लंच दे दो, टाइम का पता ही नहीं चलता, 5 बजने वाले हैं। मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही, मेरे लिए तो टाइम मिल ही नहीं पा रहा। ये देखो मेरी हालत क्या है, ये देखो मेरी नेल पेंट अच्छा है ना। मैं तो इसको पार्लर ले जा रही हूँ फोन को, कितनी बैटरी में। अरे तो कोई बात नहीं, वो उसको कौन सा, मेरे इसमें फोन में वो बनानी वीडियो, मेरा कल पेपर है। अरे तो पेपर तो तू कर चुका बेटा, तू काम कर चुका, बहुत सारा काम कर लिया तूने। नहीं अरे मेरे को चाहिए ये, पार्लर ले जाना मेरे को फोन, अभी लाया था कि मेरे को देने के लिए, लेकिन ये इसने देखा ना क्या कर रहा है, बंद करो। अरे तो तुम मेरे को तो दे दे, मैं ले जा रही हूँ, तू क्या करेगा, तू पढ़ चुका ना, ठीक है चलो। हाँ ले जाना था तो ले जाती फोन, क्या करूँ, फोन में 4% बैटरी छोड़ी उसने बस, और वो भी ले गया, सब कुछ ले गया, तमीज परेशान करके रखा है। अभी से बोलूंगी ना क्या कहता मेरे लिए वो ला दे। भाई अब मैं जा रही हूँ पार्लर, थोड़ी हालत सुधरवाने, हालत सुधरवाने के क्या, मुझे अपनी थ्रेडिंग बनवानी है, क्योंकि अभी तो ऐसी लग रही है पता नहीं जैसे जंगल। सो थ्रेडिंग बनवाने जा रही हूँ पार्लर, टाइम हो गया है 7:15, खुली होगी तो बना देगी, नहीं तो जयराम जी की भैया। मैं जा रही हूँ, देख लेना वो कितना काम कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, क्या कर रहा है, मेरा फ़ोन छीन के ले गया है वो बदतमीज, गुस्सा दिलवाता रहता है। और मैं बाहर जा रही हूँ, कम से कम फोन चाहिए होता है भाई,
अब तुमको इस फोन में काम नहीं है? अभी नहीं, अभी तुम्हारा काम नहीं है। तो ले जाऊं फिर? क्या ले जाऊं? फोन ले जाओ। कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का फोन आए तो उठाना मत। क्या मतलब? कोई अनजान फोन आए तो उठाना मत। वो तो वैसे मुंह से निकल गया था। मैं पार्लर जाऊं या ना जाऊं? जाओ जाओ जाओ। अब नहीं जा रही, अब नहीं जा रही, अब नहीं जा रही। मतलब मेरे कहने का मतलब कोई अनजान फोन आए तो उठाना मत। अनजान? तुम्हारे मुंह से हकीकत निकल गई अब तो। कौन सी हकीकत? मेरा मूड जाते वक्त मेरा मूड मत खराब करो तुम फालतू में। इनको तो मैं बताती हूँ आके जा रही हूँ, बताऊंगी उनको। अब जाओ, तुम लेट नहीं हो रही? 7 बजने वाले, 7:15 हो गए। तो तुमने बात बोली कैसे ऐसी? कौन सी? तुम्हारे मुंह से कहते ना एक बात जर सच सच जरूर निकलती है। कौन सी सच निकल गई? मैंने कहा अनजान फोन आए तो उठाना मत। अनजान ही? तुम्हारे फोन भी तो आतंकवादियों का फोन आ रहा है। मेरे मेरी औरत सोची कितनी लड़ती है अपने पति से। भाई ये है ही ऐसे, पता नहीं है मेरे कितने फोन आते हैं। मैं ले जा रही, मेरी कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं। अरे तुम तो झूठी मत बोलो, तुम्हारी और गर्लफ्रेंड ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हें आज तक पता चला कुछ? मतलब कुछ मतलब ऐसा कुछ तुम्हें पता चला कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है? हो भी नहीं सकती मोटे लाले पिलपिले। मैं कह रहा हूँ मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती। जब बीवी इतनी अच्छी है तो गर्लफ्रेंड कैसी हो सकती है? अब बोलेंगे अपनी तारीफ खुद ही। जब देखो अपनी तारीफ खुद ही। भाई अब क्यों हंसी आ रही तुम्हें? क्यों मेरी ऑडियंस से पूछो मैं अच्छी नहीं हूँ क्या? अभी तो ऐसी हो गई भाई, औरतें तो बेचारी हो ही जाती हैं। देखो अब मुझे इतनी टेंशन है, इतनी हद से ज़्यादा टेंशन है। अब देखो फेस कैसा हो गया, मैं पहले कितनी क्वीन क्वीन थी, अभी तो ऐसी हो गई हूँ। कैसे देख रहे हैं पीछे से? स्वीकार करो इतनी अच्छी मिली हूँ, मिल जाती ना चुड़ैल जैसी, पता चल जाता तुमको। मैंने ना सामान लेने के लिए भेज दिया, बहस हो गई थी हमने। यूवी नहीं लेने जा रहा था, दाल चावल ख़त्म हो गए हैं और दूध लाना था। मैंने कहा ला नहीं रहे थे, मैंने कहा ले आओ, मैंने कहा मैं काट के रख लूँगी सामान है। तो कह रहा नहीं काट के रखो तो। मैंने कहा काट के रख लूँगी। कह रहा नहीं काट के रखा ना फिर तुम कल जाओगी नहीं। मैंने कहा देख लेना काट के रख लूँगी। और देखो उनको अभी 5 मिनट हो गए जगह हुए और मैंने काट भी लिया सारा सामान। और अब मैं जल्दी जल्दी बोलूँ हुआ है तो मैं फटाफट चॉपर में डाल के खा देते। ये देखो, ये देखो फ्रेंड्स आ गए ये। और देखो मैंने सारा सामान काट लिया है। और देखो मैंने कितनी जल्दी प्याज मिर्च टमाटर लहसुन सब कर लिया। देखो पानी भी बॉयल हो गया है सब कुछ। और देखो कुकर भी चढ़ा दिया है, बस गैस नहीं चली है। बर्तन कहाँ धुले? बर्तन ये क्या है, ये 2 बर्तन रह गए बस ये। अच्छा जी, मैंने कब बोला था कि मैं बर्तन भी धोऊंगी? तुमने बोला था बर्तन बर्तन सब साफ मिलेंगे तुम्हें। और कहाँ कटी है ये क्या है ये? ये ऐसे ही बस ये प्याज चॉपर में काट के ऊपर से रख दी बस। ओए राम, चॉपर में तो मैंने चलाया भी टमाटर नहीं। टमाटर तो मैं साथ के साथ उसमें डालूंगी। अच्छा? दो आके रख दिए मैंने, दो काट। मैंने बोला था प्याज व्याज काट दूंगी। हाँ। प्याज व्याज, प्याज व्याज क्या बोला था मैंने? हाँ। मैंने बोला था प्याज काट दूंगी और तुम जब तक आओगे। देखो मैंने प्याज काट दी, लहसुन काट दिया मैंने और मिर्च। कहाँ कटा लहसुन? ये रहा ना लहसुन, वो तो ऐसे ही डलता है। छीलने की बात हुई थी, छीलने की बहुत चालू बनती हो तुम अपने आप। अच्छा ये अच्छा कितने चालू, मतलब मैंने इतना काम कर लिया। ये देखो मैंने प्याज में धो धा, कितना टाइम लगता है इनमें। मैंने धोई बर्तन साफ करके रखोगी? ये रखो ये रे बर्तन देखो। आ, ये सब माज ऐसे ही साफ थे वो तो। अच्छा जी, और ये सिंक बस ये 2 बर्तन पड़े हैं बस खाली। तो ये तो एक बहाना था भेजने का। अब तुम कल नहीं जाओगी? आए बड़े।
निकलने ही जाओगी, दोबारा मत बोलना। लोग झूठ बोलते हैं, पता नहीं कैसे 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 कैसे। फ्रेंड्स हमने डिनर विनर कर लिया है और हालत तो मेरी ऐसी हो रही है बहुत ही अजीब, क्योंकि आज तो मुझे थकावट सी हो रही है सही में आंखों में ना, लेकिन अभी काम बहुत बाकी है, कल मुझे जाना है। एक जगह तो रुकना जरूरी था। देखो अब कल देखो हमें जल्दी जाना है, ठीक है हम जाएंगे जल्दी जल्दी, क्या क्या कहता है मुझे कुछ जल्दी, तो मैं यूवी की वजह से लेट आना पड़ेगा ना, अब यूवी का एग्ज़ाम है तो भाई ये थोड़ा सा लेट आएंगे। और देखो उसका एग्ज़ाम है, वो कर रहा है तैयारी और मुझे दिया ये कि मम्मी मेरी कॉपी में पेज पेस्ट कर दो, इसको तब से याद नहीं आता। और देखो टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है 12 और मेरे को अभी किचन का भी काम करना और मुझे सुबह मंदिर भी जाना है। भाई आँखें कुछ हो रही हैं, ये देखो मैंने थ्रेडिंग कराई थी, अच्छी लग रही है, सिर्फ थ्रेडिंग ही कराई है, मुंह की हालत तो 24 बज रहे हैं मेरे मुंह पे, तो देख भी नहीं रहे मेरी तरफ। अभी कोई और दिखा रही होती ना तो अभी पता नहीं कितनी बार एक सेकंड में नजर पहुंच गई होती बिना कहे ही। अच्छा जी मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है, तुम्हें तो 18 साल से देखते हुए आ रहे हैं। क्या लगता है इनका थोड़ा सा दाएं दुई खाने का मन है। देखो कैसे देख रहे हैं, देख लो मुझे इतने ध्यान से देखते हैं मुझे, अच्छा इसे इतने ध्यान इतने प्यार से देख रहे हैं, देख लो प्यार से नहीं देख रहा और बताओ 18 साल से तो देखते हुए आ रहे तुम्हें, अब बचा क्या देख लो, आना जरा अभी बंद करते क्या मतलब तुम्हारे तो ऐसी की तैसी। सो भाई देखो मालिश कर रही थी मैंने, खुद ही मालिश कर ली कल क्योंकि कर नहीं पाए, सो लेकिन बालों में ना तो दर्द हो रहा है, पता नहीं बालों में क्यों दर्द हो रहा है मेरे। टाइम हो रहा है 1:30 बज चुका है और मैं अब सोऊंगी क्योंकि मुझे उठना है सुबह 5 बजे और मुझे मंदिर जाना है सुबह क्योंकि कल है मंडे। सो मंदिर जाएंगे उसके बाद फिर हम तैयार व्यार होंगे, फिर इनका खाना पीना जो भी है और जाएंगे फिर हम अपने मायके, वहीं पर है दीदी का भी घर भी आसपास में ही है। सो जब तक के लिए सो फ्रेंड्स हाँ आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, और ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक करें शेयर करें, और भैया अभी तक सब्सक्राइब नहीं भी तो सब्सक्राइब कर लो ना। सो जब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट। देखो अपनी एक ही जगह पकड़ के बैठे रहते हैं और इनको दोबारा हो गया जुकाम, अपना इलाज क्यों नहीं करवाते, इलाज करा लो ना, अपना साइनस की प्रॉब्लम है तुम्हें, करा लो, बार बार जुकाम होता रहता है। गुड नाइट। 11 मुल्कों की पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। ओहो डॉन, कौन सी दुनिया के डॉन हो तुम, ये आए एक और डॉन, तुम्हारे डॉन का डॉन ही बना दूंगी मैं, याद रख लेना। नहीं वो तो मैंने वैसे ही मुंह से निकल गया था, मुंह से निकले, तुम चिंता मत करो कैमरे के पीछे बताती हूँ मैं तुम्हें, कैमरे के पीछे बताती हूँ क्यों, बिहाइंड द सीन। बताती हूँ तुमको कैमरे के पीछे। चलो अपनी गर्लफ्रेंड से अकेले में बात कर लेना जा रही हूँ मैं, लो अपना फोन।